हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबूदाना बड़ा। ये मैं एकदम इनोवेटिव साबूदाना आपको बताऊंगी। इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चुकंदर, जो बहुत ही हेल्दी है, और हम एयर फ्रायर के अंदर इसको बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये साबूदाना पसंद आएगा। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से बनाना शुरू करते हैं बहुत ही हेल्दी साबूदाना। नवरात्रे में या आप कभी भी इसको आराम से बनाकर खा सकते हैं। आयरन साबूदाना बड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए साबूदाना। ये मैंने अच्छे से 4 घंटे भिगाकर रखा हुआ था और अब इसको छान लिया है। तो कम से कम हमारा साबूदाना 4 से 5 घंटे भिगा हुआ होना चाहिए। साथ साथ लेंगे आधा कटोरी मूंगफली, थोड़ा सा चुकंदर, आधा नींबू का रस, नमक, सेंधा नमक, 1 हरी मिर्च और 2 उबले हुए आलू। तो फटाफट से एक अलग तरीके से मैं आपको साबूदाना बड़ा बनाना बताऊंगी। आलू को छीलकर हमें कद्दूकस करना है। उबले हुए आलू मैंने लिए हैं। आलू हमारा छिल गया है, साथ साथ कद्दूकस कर लेते हैं। आलू भी हमारा अच्छे से कद्दूकस हो गया है। साथ साथ मिक्सी जार के अंदर डालेंगे हम अपना मूंगफली और इसको थोड़ा सा दरदरा करेंगे। बस ज्यादा दरदरा हमें नहीं करना है। साथ साथ हम चुकंदर को लेंगे और इसको भी थोड़ा सा हमें दरदरा कर लेना है। देखो फ्रेंड्स, चुकंदर भी हमारा अच्छे से दरदरा हो गया है। एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसके अंदर डालेंगे साबूदाना। एकदम खिला खिला साबूदाना हमें चाहिए, साथ साथ आलू और जो हमने थोड़ा सा मूंगफली को दरदरा किया है, नमक, नींबू का रस, हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पर साथ साथ डालेंगे चुकंदर, जो हमने अभी हल्का सा दरदरा कर रखी हुई है। सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। बढ़िया हमारा कलर आने लगा है और एकदम हेल्दी हेल्दी बड़े बनाकर हम खाएंगे। तो आप ये आराम से आपका व्रत ना हो तब भी बनाकर खा सकते हैं। हल्का सा इसको हम हाथ से हल्का हल्का सा दबाएंगे, जैसे हमें आटा बनाना होता है, बहुत ही हल्का ज्यादा। और एक तरफ सभी को इकट्ठा कर लेंगे और अब बड़े बनाना शुरू करेंगे। ये बड़े आप बनाकर तैयार कर फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी मन हो तब बनाकर खा सकते हैं। डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एयर फ्रायर में ही इसको बनाऊंगी। यहाँ पर हाथ पर लगाएंगे हल्का सा देसी घी, बहुत हल्का, और थोड़ा सा हम इसके अंदर से अपने बड़े को उठाएंगे और गोल करते जाएंगे। आप गोल भी बना सकते हैं और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर भी बना सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें। चारों तरफ से हमें एक बार अच्छे से इसको घुमा लेना है। बस ऐसे ही हमें सभी बड़े अपने तैयार कर लेने हैं। ऐसे ही हम अपने सभी बड़े तैयार कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक एक कर हमारे सभी बड़े बन गए हैं और मैंने अपना एयर फ्रायर 5 मिनट पहले भी प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया है। तो मैं एक बड़ा आपको अभी दिखाती हूँ। एकदम बढ़िया पिंक कलर और एकदम बढ़िया से हमारा बड़ा बन गया है। तो फटाफट से इनको रोस्ट करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, एयर फ्रायर को हम खोलेंगे और हल्का सा एयर फ्रायर को हम ग्रीस करेंगे, बहुत ही हल्का। अपने बड़ों को एक बार में, मैं 4 बड़े बना रही हूँ। बस थोड़ा सा इसको गैप देते हुए हमें रखना है और ऊपर से हल्का सा फिर हम बड़ों के ऊपर
देसी घी लगाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं आप सभी को कोशिश करती हूँ रेसिपी सिखाऊं, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होंगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हमारे सभी बड़े ग्रीस हो गए हैं, तो एयर फ्रायर को हम 10 मिनट के लिए बंद कर देंगे। बस, और अब वेट करते हैं। वाव, एकदम यमी साबूदाना वड़ा बनकर तैयार है और ये अच्छे से सिक गए हैं। तो अभी हम इसको सर्व करते हैं। मैं एक बार आपको उठाकर दिखाती हूँ, हल्का सा नीचे लग सकता है, तो इसको हमें धीरे से निकाल लेना है। बस देखो फ्रेंड्स, एकदम यमी यमी साबूदाना वड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो आप ऐसे ही साबूदाना वड़ा बनाइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक साबूदाने को मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी साबूदाना वड़ा हमारा बनकर तैयार है और अंदर से साबूदाना हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया है।